We're in Splitsvilla and we want to move on from the past. Chilvil, I want to know what happened in the past. वो क्या था जिसने बोला था जो इतना बुरा लगा? मैं रिलेशनशिप में थी 4 साल से और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. मतलब उसकी फैमिली ये बोलती थी कि ये हमारी भी बातें नहीं सुनता है तो तू बोल, तेरी बात सुनेगा. इतना प्रायोरिटाइज कर रखा था उसने मुझे और ट्रीटमेंट बिल्कुल मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही था. और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हो तो फैमिली को हो जाता है यार नाउ यू गेट रोकाफाइड और एंगेज. तो आई वॉज 21 जब एंगेजमेंट की बात करी थी एंड ही वॉज ऑल्सो 21 विच इज़ क्वाइट अर्ली. उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है तो सामने वाला वैसे ही यार थोड़ा सा कांप जाता है. हमारी एंगेजमेंट के 1 महीने बाद ही उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. कैसे? कैसे? लाइक ही वॉज हर छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाता था वो. डोंट क्राई. लुक आई एम वार्म. हग मी. सो आई नेवर वांटेड इट टू एंड. आप किसी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो और ये सब चीज़ें होने लग जाती है ना अचानक से, तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि यार ये क्या हो गया अचानक से. तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी ऑड लगने लग गई. एक दिन पापा ने उसे मस्ती में वी वर सिटिंग और बोल दिया था कि चलो चलो अब शादी कर लो. तो वो अचानक से गुस्से में खड़ा हुआ. उसने बोला कि ज़बरदस्ती आपने एंगेजमेंट तो करा दी, अब शादी भी ज़बरदस्ती कराओगे क्या? तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी कि ज़बरदस्ती क्या यार. फिर पापा ने बोला कि ज़बरदस्ती क्या होता है, आप भी पसंद करते थे ना. पापा ने उसको बोला कि आप नहीं करोगे तो और कोई करेगा, ऐसा नहीं है ना कि यू आर द लास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. तो उसने बोला तो करा लो अपनी बेटी की शादी जिससे करानी है. एंड ही लेफ्ट. क्या आप उसे अभी मिस करते हो?